इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 120 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये टीजीटी मैथ्स के ओल्ड क्वेश्चन पेपर में से लिए गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 111, पी क्यू आर एस आर एन जी पी, ये पता करना है जो 1/p² + q² + 1/q² + r² + 1/r² + s² ये एपी में होगा या जीपी में या एसपी में। पी क्यू आर एस आर एन जी पी, की अपॉन पी इक्वल आर अपॉन क्यू इक्वल एस अपॉन आर। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू स्क्वायर इक्वल आर इन टू पी। ऐसे ही हम यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू एस। अब ये मान के चल रहे हैं कि ये जीपी में गिविन है, 1/p² + q² + 1/q² + r² + s² इसको हम जीपी में मान के चलेंगे। इसमें क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर की वैल्यू पुट अप कर देंगे, क्योंकि जीपी में होते हैं तो ये फॉर्मूला होता है कि बी स्क्वायर इक्वल ए इंटू सी। अगर हमारे ए बी सी तीन जो हैं आपके जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, पी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे पी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे हम एस स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड में क्यू और आर है और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमारे पास पी स्क्वायर और एस स्क्वायर है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू और एस स्क्वायर की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से निकाल लेंगे यहाँ से और वैल्यू पुट अप कर देंगे। हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी क्यू की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1/r² + s² की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी r की पावर 4 अपॉन क्यू स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ से हम क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, क्यू स्क्वायर फिर एलसीएम ले लेंगे, क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ से आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल 1/q² + r² का स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड इक्वल हमारी राइट साइड आ गई, इसका मतलब है ये हमारे जीपी में है। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। अगर बाय चांस ये इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई नहीं होती जीपी में तो फिर हम एचपी में ट्राई करते, एपी में ट्राई करते, फिर एपी के बाद फिर हम एचपी में ट्राई करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स 1/2 + 10 इनवर्स 1/3। ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है, टेन इनवर्स 1/2 + 10 इनवर्स 1/3। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे कि टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इक्वल होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - a × b। टेन इनवर्स इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, टेन इनवर्स 5/6 / 5/6 इक्वल टेन इनवर्स 1, और टेन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है 5/4, जो कि 10/45 वैल्यू होती है 1। ये हमारा आंसर हो गया, यानी डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 2, √7 टू द हाइपरबोला 16x² - 9y² = 1। इसको हम हाइपरबोला की इक्वेशन में लिख लेंगे, x² / a² - y² / b² = 1। उस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिख लेंगे, x² / 1/16 - y² / 1/9 = 1। यहाँ ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है 1/16 और बी स्क्वायर की वैल्यू है 1/9।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट 2 एंड रूट 7। इसका फॉर्मूला होता है द इक्वेशन ऑफ ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट x1 by 1 x minus x1 upon a square equal minus y minus y1 upon y1 upon b square। अब इसमें वैल्यू रख देंगे, यहाँ x1 की वैल्यू है 2 और y1 की वैल्यू है root 7 और a की वैल्यू है 1 अपॉन 16 और v स्क्वायर की वैल्यू है 1 अपॉन 9। a स्क्वायर की वैल्यू है 1 अपॉन 16 और v स्क्वायर की वैल्यू है 1 अपॉन 9। x माइनस 2 अपॉन 1 अपॉन 16, यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने, फिर माइनस y माइनस रूट 7 अपॉन, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी y1 की, y1 रूट 7 और यहाँ पर v स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे, v स्क्वायर की वैल्यू है 1 अपॉन 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x माइनस 2 अपॉन 32 इक्वल माइनस y माइनस रूट 7 अपॉन 9 रूट 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 32 रूट वाई, इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इक्वल ये आंसर आ गया। इसका मतलब हमारा बी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, हमें इसमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। इसमें क्या करेंगे हम, r1 को r1 प्लस r2 लिखेंगे, रो ये रो r1 है, इनको जब प्लस करेंगे ये माइनस के 3 आएंगे, प्लस के 3 आएंगे, जीरो हो जाएगा, ये 1 है ये माइनस के 1 है, ये भी जीरो हो जाएगा, 4 3i माइनस 1 23i 6i प्लस 4। अब यहाँ से करेंगे तो 3i स्क्वायर और ये मैंने मैंने प्लस 3, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और i स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस 1, 6i प्लस 4 माइनस 3 प्लस, और यहाँ पर हम i स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे माइनस 1, तो ये माइनस 3 हो जाएंगे प्लस 3, ये जीरो हो गया, जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, जीरो। अब राइट साइड से कंपेयर करेंगे, राइट साइड क्या गिवन थी हमारी, एक्स प्लस आई वाई, ये किसके इक्वल था हमारा, एक्स प्लस आई वाई के, तो इसको हम कंपेयर करेंगे एक्स प्लस आई वाई से, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, जीरो और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, इसको हम आई लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू लिमिट की प्रॉपर्टी से 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 माइनस एक्स, आई इक्वल, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया, पाई बाई 4 3 पाई बाई 4 डी एक्स अपॉन, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस कॉस एक्स, क्योंकि ये पाई माइनस एक्स तो माइनस कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस एक्स, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को हम ऐड कर देंगे, 2i इक्वल 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे डी एक्स, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, i इक्वल पाई अपॉन 4 3 पाई अपॉन 4 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉट एक्स, इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे माइनस कॉट एक्स,
माइनस कॉट 3 पाई बाई 4 माइनस कॉट पाई बाई 4 इक्वल माइनस कॉट 3 पाई बाई 4 की वैल्यू होती है माइनस 1 और कॉट पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 तो माइनस 1 हो गया यानी इसकी वैल्यू आ गई 2 2 इज ए करेक्ट आंसर यानी डी इज ए करेक्ट आंसर द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 तो हमें x की पावर 11 का कोफिशिएंट देखना है और हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x की पावर 10 यहां पे a की वैल्यू है x स्क्वायर और b की वैल्यू है 1 अपॉन x tr प्लस 1 इक्वल ncr a की पावर n माइनस r और b की पावर r अब वैल्यू पुट अप कर देंगे 10 cr x स्क्वायर 10 माइनस r 1 अपॉन x की पावर r यहां से सिंपलीफाई कर लेंगे 10 cr x की पावर 20 माइनस 3r जो x की पावर है इसको किसके इक्वल लगाएंगे 11 के इक्वल क्योंकि यहाँ पे x की पावर 11 है यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल लेंगे 20 माइनस 3r इक्वल 11 और 3r इक्वल 9 और r की वैल्यू आ गई 9 अपॉन 3 इक्वल 3 कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 11 इक्वल यानी इसमें रख देंगे r की वैल्यू 10 c और r की वैल्यू थी 3 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 10 माइनस 3 इक्वल अपॉन 3 2 1 फैक्टोरियल 7 अब इनको सिंपलीफाई करके आगे वैल्यू 120 ये आंसर यानी डी इज ए करेक्ट आंसर ऐसे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर का और टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर हम पहले इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन आ गया हमारे पास एक्स एक्स माइनस टू वाई इधर से आ गया हमारे पास एक्स माइनस टू वाई और फैक्टर हो गए एक्स माइनस टू वाई और एक्स प्लस वाई अब 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे 2x x माइनस वाई और यहाँ से कॉमन ले लेंगे y x माइनस वाई अब x माइनस वाई और 2x प्लस वाई इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एस सी एफ आ गया 1 एस सी एफ इक्वल 1 1 इसमें कोई ऑप्शन नहीं है इसका मतलब डी इज ए करेक्ट आंसर नन ऑफ दीज क्वेश्चन नंबर 119 इसमें इक्वेशन दे रखे एक्स इक्वल ई की पावर माइनस टी वाई इज इक्वल टू 2 कॉस टी और जेड इज इक्वल टू साइन टी और वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें x इज इक्वल टू e की पावर माइनस टी हम इसको dx अपॉन dt करेंगे dx अपॉन dt इक्वल माइनस e की पावर माइनस टी y की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 2 cos t इसका dy अपॉन dt इक्वल माइनस 2 sin t और z की वैल्यू गिवन है हमारे पास sin t dz अपॉन dt इक्वल cos t अब वेलोसिटी निकालेंगे I dx upon dt plus j dy upon dt plus k dz upon tt अब इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे dx upon dt की वैल्यू थी minus e की पावर minus t I minus 2 sin t j plus cos t
के, ये हमने वैल्यू रख दी, ये हमारा आंसर आ गया। ये माइनस है, ये प्लस है, यानी ए इज ए करेक्ट आंसर। वन हंड्रेड ट्वेंटी, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है। हमारे पास गिवन है साइन पाई बाई एटीन डॉट साइन साइन फाइव पाई अपॉन एटीन इंटू साइन सेवन पाई अपॉन एटीन। इसको हम डिग्री में चेंज कर लेंगे, अगर डिग्री में ना चेंज करके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं इनको। तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी साइन टेन डिग्री और साइन सेवेंटी डिग्री। पाई की वैल्यू होती है वन एट्टी डिग्री, हमने यहाँ पाई की वैल्यू रख ली है। हम डायरेक्टली इसी टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। वन अपॉन टू साइन टेन, टू साइन फिफ्टी डिग्री इंटू साइन सेवेंटी डिग्री। टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। वन अपॉन टू साइन टेन डिग्री कॉस सेवेंटी डिग्री माइनस फिफ्टी डिग्री माइनस कॉस सेवेंटी डिग्री प्लस फिफ्टी डिग्री। कॉस ट्वेंटी डिग्री माइनस, ये आ जाएगा कॉस वन ट्वेंटी डिग्री, और कॉस वन ट्वेंटी की वैल्यू होती है माइनस वन अपॉन टू, वन बाई टू साइन टेन डिग्री इंटू कॉस ट्वेंटी डिग्री प्लस वन बाई फोर साइन टेन डिग्री। अब फिर से यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर साइन टेन डिग्री। टू साइन ए इंटू कॉस बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो साइन ए प्लस बी यानी साइन टेन प्लस ट्वेंटी प्लस वन बाई फोर साइन टेन डिग्री। वन अपॉन फोर साइन थर्टी, साइन थर्टी की वैल्यू होती है वन बाई टू माइनस वन अपॉन फोर साइन ट्वेंटी में से टेन डिग्री यानी साइन टेन डिग्री, ये प्लस वन अपॉन फोर साइन टेन डिग्री, ये हमारे कैंसिल हो गए। तो वन अपॉन एट यानी डी इज ए करेक्ट आंसर। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, 121 से लेकर के 125।